बातें सुने, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। रेटिंग पे नजर डालेंगे तो आप यकीनन चौंक सकते हैं, क्योंकि आईसीसी ने मतलब ना कोई तर्क पता चल रहा है ना कुछ, और एकदम से आईसीसी ने यहां पे शुभमन गिल का जो रेटिंग है वो 20 पॉइंट डाउन कर दिया है, और बाबर आजम इस हिसाब से अब दुनिया के नंबर एक ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। तो आईसीसी के रेटिंग पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आइए एक नजर डाल लेते हैं रैंकिंग पे जो आईसीसी की तरफ से रिलीज की गई है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर क्यों और कैसे बाबर आजम वापस से नंबर वन बन गए हैं, और बाबर आजम का हालिया परफॉर्मेंस क्या है, बाबर आजम क्या कुछ इन दिनों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फैंस की तरफ से बाबर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सब पे एक नजर डालेंगे। लेकिन रैंकिंग पे ये नजर डालिए जो आईसीसी ने आपसे कुछ देर पहले यह रैंकिंग रिलीज किया है। इस रैंकिंग में आप देख पा रहे होंगे बाबर आजम का जो रेटिंग है, जो पॉइंट है बाबर आजम का, आप देखिए 824, ये पहले भी था 824, जब सुमन गिल नंबर वन बने थे वहां पे भी बाबर 824 पॉइंट के साथ नंबर दो पे खिसक गए थे। क्यों? क्योंकि सुमन गिल तब 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर एक ओडीआई बैट्समैन बन गए थे, 8 नवंबर का वो घटना है। लेकिन इस वक्त आप सुमन गिल को नंबर दो पे देख पा रहे होंगे 810 रेटिंग के साथ। तो सवाल उठता है ये 20 पॉइंट जो है, ये 20 पॉइंट का जो अंतर है, ये कहां से आया, कैसे आया, इस पे भी हम बात करेंगे। विराट कोहली आप देख सकते हैं नंबर तीन पे हैं 775 के साथ, और वो आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त हर कोई यही जानना चाह रहा है आखिर सुमन गिल का जो 20 पॉइंट है, ये जो रेटिंग कम हुआ है, आखिर क्यों और कैसे कम हो गया। बाबर का वो बरकरार रहा 824, तब भी था 824, अभी भी है, और जैसे गिल का यहाँ पे 20 रेटिंग कम होता है, गिल नंबर दो पे खिसक जाते हैं और बाबर 824 रेटिंग के साथ आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये बन रहा है कि आखिर कैसे गिल का रेटिंग डाउन कैसे हो गया। हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, गिल जब नंबर वन बैट्समैन बने थे 8 नवंबर का वो दिन था जिस दिन आईसीसी की तरफ से ऐसी रेटिंग आती है और गिल 830 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर एक बैट्समैन बन जाते हैं, बाबर आजम 824 रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर दो बैट्समैन ओडीआई बैट्समैन वहां पे बनते हैं। उसके बाद से अगर हम मैच पर नजर डालें, ओडीआई मैच पर नजर डालें, तो सुमन गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं तो 51 रन, 80 रन और 4 रन। इस नंबर वन रैंकिंग पे आने के बाद गिल 3 ओडीआई मैच खेलते हैं, 51, 80 और 4, और ये आंकड़ा यकीनन इतना बुरा नहीं है कि 20 पॉइंट यानी 20 रेटिंग कम हो जाएगा गिल का इस आधार पे। और बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पहले ही बाहर हो गई थी, तो उसके बाद से बाबर आजम ने ये कोई भी ओडीआई मैच खेला नहीं है। रैंकिंग आईसीसी की रैंकिंग पे इसीलिए सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए लोगों ने आईसीसी के इस रैंकिंग पे यकीन करना अब बंद कर दिया है। और इस तरीके से अगर आईसीसी ये नहीं बताएगा, आईसीसी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि क्यों गिल का 20 जो 20 पॉइंट है, जो रेटिंग है, वो कम होता है, आईसीसी को इस पे क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हमने आपको अगर इस तरीके से रैंकिंग पे अब सवाल उठेंगे, अगर इस तरीके से आप 3 अच्छी पारी खेलने के बावजूद गिल का यहाँ पे 20 रैंकिंग कम कर देते हैं, 20 पॉइंट कम हो जाता है, तो यकीनन अब सवाल आईसीसी के ऊपर उठेंगे इस मैटर पे कि आईसीसी ये बताए, ये पैमाना बताए, आखिर पैमाना क्या, आईसीसी किस तरीके से यहाँ पे, कौन सा वो, मैं बोलना नहीं चाहता ऑन स्क्रीन, लेकिन आईसीसी ऐसा क्या करके बैठी हुई है कि एकदम से इन्हें तीन में से कम तकरीबन 51 और 80 रन की दो अच्छी पारियां गिल खेलते हैं, इसके बावजूद आईसीसी कैसे 20 रेटिंग कम कर देता है सुमन गिल का, तो इस पे सवाल है। कि आपके बैटर बाबर आजम बन चुके हैं एक बार फिर ओडीआई में नंबर वन, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई में बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम की, पर अब बाबर आजम नंबर वन बन चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन टीम की बदौलत। शुभमन गिल को हमने साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई में रेस्ट कराया, अब रेस्ट कराया जिसकी वजह से शुभमन गिल लॉस द पॉइंट्स एज ही वाज रेस्टेड इन साउथ अफ्रीका ओडीआई, मतलब उनके पॉइंट्स गिर गए क्योंकि उन्होंने वो साउथ अफ्रीका की ओडीआई मिस करे, उन्हें रेस्ट दिया गया। तो इसीलिए अब नए नंबर वन आपको दिखेंगे बाबर आजम, आपके प्यारे बॉब्जी द किंग, किंग कर लेगा। लेकिन बॉब्जी की बात करें, यानी बाबर आजम की बात करें, जिस हिसाब की इन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस दी है बहुत बढ़िया नहीं रही। ओडिया वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, वहां पे इनका फॉर्म पूरी तरह से डिप रहा है, लगातार रन्स नहीं बनाए, मतलब रन्स आ भी रहे थे तो बहुत स्लो आ रहे थे, बहुत कोई काम की इनिंग्स नहीं आ रही थी। और मोहम्मद आमिर ने एक बात कही थी कि आप नंबर वन शायद इस बार लगातार बने रहते हैं, क्योंकि जैसे बड़े बड़े बैटर्स की हम बात करते हैं वो लगातार सभी मैचेस नहीं खेलते, कभी कभार वो मिस करते थे, जैसे कि आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बाबर आजम का खेलते, पर बाबर आजम से क्रेडिट छीनने वाली बात भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की क्वालिटी है इनके पास, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, वो टेक्निकल जो टेक्निक जिस हिसाब की इनके पास वो बहुत जबरदस्त है। और बाबर आजम बन चुके हैं ओडीआई में एक बार फिर नंबर वन बैटर,
पर लेकिन रैंकिंग्स किस हिसाब से ये भी आपको बता देते कि भाई कौन नंबर वन पे है, कौन नंबर टू पे है। हालांकि हर हफ्ते ये बदलते रहते हैं, नंबर वन का जो ताज है वो बदलता रहता है। शुभमन गिल के पास था, पर शुभमन गिल से जो ताज था वो सर पे जा चुका है बाबर आजम के, क्योंकि शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में रेस्ट दिया गया था। रेस्ट दिया गया तो फिर नंबर वन नहीं बन गए, क्योंकि शुभमन गिल के जो पॉइंट्स थे वो थोड़े से डाउन हो गए और वहां पे बाबर आजम थोड़ा आपसे ऊपर निकल गए। आयुष जरा दिखा दो यार रैंकिंग्स की अपडेट भाई, कौन है नंबर वन पे, कौन है नंबर टू पे, टॉप फाइव में किन किन ने जगह बनाई है। भाई पहले देखिए, पहले स्थान पे है आपके बाबर आजम 824 की रेटिंग्स के साथ और टॉप पे बन चुके हैं आप, शुभमन गिल से ऊपर निकल चुके हैं। दूसरे पे है आपके शुभमन गिल 810 की रेटिंग के साथ। शुभमन गिल आपको इस वक्त ओडीआई सीरीज में नहीं दिख रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल सेकंड पे गए क्यों हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने ओडीआई, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज हो रही है वहां पे इन्हें रेस्ट दिया गया, तो रेस्ट दिया गया इसकी वजह से इन्होंने अपने पॉइंट्स लूज कर लिए और उस वजह से बाबर आजम आ गए टॉप पे। पर बाबर आजम क्या इस पोजीशन पे कितने दिनों तक रह पाएंगे, टिक पाएंगे, क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें ना, फॉर्म इनका साथ नहीं दे रहा है। इवन वहां पे आपने 151 रन बनाए थे अराउंड, 150 की पारी खेली थी, लेकिन जब आपके सामने जो बड़ी टीम आती है वहां आप फीके पड़ जाते हो। मुद्दा ये यहां पे गर्म आता है कि आपका बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं आता। आप कोई ओडीआई सीरीज खेल रहे होंगे वहां आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, बड़े टूर्नामेंट में आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यहां पे आप नंबर वन रहो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगी क्योंकि हर हफ्ते रैंकिंग अपडेट होती है, आप कभी नंबर वन आ जाते हो कभी शुभमन गिल आ जाते हैं। हालांकि अगर मैं दोनों बैटर्स की बैटिंग की बात करूं, दोनों का ही फॉर्म नहीं लगा हुआ। बाबर आजम की बात करूं इनका फॉर्म नहीं है, शुभमन गिल की बात करूं इनका फॉर्म नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।